नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री बालाजी। मैं आचार्य दीपक कौशिक भृगु ज्योतिष कार्यालय पचेरी बड़ी जिला झुंझुनू राजस्थान से हूँ। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। बालाजी महाराज आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। आज हम यह चर्चा करेंगे कि 2022 में ऐसी पांच कौन सी राशियां हैं जिनका फलादेश सर्वश्रेष्ठ है, जिनको आर्थिक लाभ मिले, धन की अच्छी बढ़ोतरी हो और जिनके रुके हुए कार्य काफी कार्य बने, सरकारी जिनके राजयोग हैं, ऐसी पांच राशियों वाले जातकों को बहुत अधिक लाभ मिलने वाला है। तो हम चर्चा करेंगे इसी कड़ी में। प्रथम जो राशि है मेष राशि। मेष राशि 2022 में मेष राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। यह राशि 16 जनवरी को मंगल धनु राशि में गोचर होने के कारण काफी कुछ देकर जाने वाला है। मंगल अगर धनु राशि में आएगा तो आपको आर्थिक बहुत बड़ा फायदा होने का योग है। आपके आय में काफी वृद्धि होगी, दिमाग आपका संतुलित रहेगा, आप सकारात्मक महसूस करेंगे। विदेश यात्रा के योग जरूर बनते हैं, आप शेयर मार्केट में भी अपना भाग्य आजमा सकते हैं। आपको बम्फर आय की प्राप्ति हो ऐसा योग हमें मेष राशि वालों के लिए जरूर है। मेष राशि में शनि और बुध की युति होने से मार्च तक थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए आपको हरे रंग की साड़ी या हरे रंग के वस्त्र किसी गरीब जरूरतमंद महिला को दान कीजिए, इससे आपकी बुध की स्थिति बहुत अच्छी होगी। इसके बाद किसी महिलाओं का या अपने से बड़े का किसी अनादर ना करें। आपके लिए यह साल बहुत जबरदस्त रहने वाली है। बालाजी महाराज की कृपा आप पर बनी रहे, खूब दीर्घायु हो, खूब बढ़ोतरी करो। इस कड़ी में हमारी अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि का साल भी सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है आपके लिए। इस साल गुरु आपके पंचम भाव में है। जब गुरु पंचम भाव में होता है तो विद्या संबंधित काफी रुके हुए कार्य बनते हैं। गुरु पंचम भाव में होने से सरकारी राजयोग में कई जातक सरकारी नौकरी के लिए या गवर्नमेंट नौकरी के लिए काफी दिनों से प्रयासरत हैं, उनको सरकारी नौकरी मिलने का प्रबल राजयोग बनता है। इस साल आपको गवर्नमेंट नौकरी मिलेगी। दूसरी बात यह है, आपको पुत्र से अच्छा फायदा हो आपकी संतान का, आपके बेटे का। अगर आपका बेटा भी कुछ रुका हुआ कार्य बन रुके हुए कार्य में फंसा हुआ है, वह भी निकलने का अच्छा योग इस साल बनता है। इसके साथ ही जनवरी के अंत से मार्च तक मंगल देव का गोचर आपकी संतान की सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मंगल देव आपके 26 जनवरी से छठे भाव में उपस्थित होंगे, जो कुंडली के भाग्य भाव में होता है। इस दौरान आपको कार्य क्षेत्र में अच्छी सकारात्मकता मिलेगी, आपको काम करने की आपकी गति बढ़ेगी, आप अपने कार्य से पूर्णतः संतुष्ट होंगे। इतनी सफलताएं मिलने के बाद आप भाग्य में आपके व्यवसाय में बम्फर पैसे की बारिश होने वाली है, लेकिन मेहनत पर विशेष अपना ध्यान दें। इस साल मेहनत पर अपना ध्यान देने से आपको अच्छी बढ़ोतरी के आसार नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा इस साल 7 प्रकार के अनाज अपने ऊपर से 7 बार वार कर रविवार के दिन आप पक्षियों को डालते हैं तो इससे आपको अत्यधिक फायदा होने वाला है। चलिए, बालाजी महाराज की कृपा आप पर बनी रहे, आपकी यह साल आपके लिए बहुत कुछ लेकर आए। अगली जो हम कड़ी की बात करते हैं तो इस कड़ी में तीसरी राशि हमारी है कन्या राशि। कन्या राशि के लिए भी यह साल आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। काफी उतार चढ़ाव जरूर रहेगा आपको शुरुआती दिनों में, लेकिन जनवरी माह से मंगल धनु राशि में गोचर होने से आर्थिक तंगी से छुटकारा दिलाएगा। ऋण संबंधित बाधाओं से आपकी जो आप ऋण संबंधित समस्याओं में थे वो सभी आपकी दूर होने के योग इस साल बनते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा रक्त संबंधित क्षीण छोटी मोटी कोई बीमारियां हो सकती हैं, इसके लिए आप लाल अनार 1.25 किलो अपने ऊपर से वार कर मंगलवार के दिन
गायों को खिलाएंगे तो आपको इससे अच्छा लाभ मिलेगा। मार्च की शुरुआत में चार प्रमुख ग्रह शनि, मंगल, बुध और शुक्र एक साथ उपस्थित हैं। यह चतुर्ग्रह योग होता है, यह बहुत बड़ा योग होता है। कन्या राशि के लिए आय के लिए यह ग्रह सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस साल ये चार युति जिन एक साथ जिन ग्रहों की होगी तो आपको धन की अपार सफलता मिलेगी। आप अपनी मेहनत से अधिक सफल होंगे। विदेश यात्रा के योग तो हैं लेकिन अप्रैल के बाद बनते हैं। विशेष ध्यान रखिए, अपने बालाजी महाराज का आशीर्वाद आप पर बना रहे। आप दीर्घायु हो, यह साल आपके लिए बहुत मंगल हो। इस कड़ी में हमारी अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए भी यह साल बहुत बढ़िया रहने वाला है। अगर मंगल ग्रह जो अपनी सेना के सेनापति हैं, मंगल पूरी ग्रह की सेनापति हैं, क्षत्रिय हैं, कैप्टन हैं, उनका राशि परिवर्तन काफी राशियों पर बढ़ोतरी लेके आ रहा है तो कुंभ राशि पर भी इसका विशेष प्रभाव है। अब कुंभ राशि पर मंगल का जो गोचर है या धनु राशि पर जो मंगल का जाना है, ये कह सकते हैं हम, ये बहुत अच्छा रहने वाला। आर्थिक लाभ देने का बहुत बड़ा कार्य मंगल आपके लिए करने वाला है। इसके बाद मार्च की शुरुआत में, जैसे मैंने अभी आपको बताया, शनि, मंगल, बुध और शुक्र की एक साथ युति आपको प्रयासों और अधिक संपत्ति का लाभ देने का कार्य करेगी। आपके रुका हुआ धन भी आने का योग है, फंसा हुआ धन आने का योग है। आपके लिए भी शेयर मार्केट सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। शेयर मार्केट में आप निवेश कर सकते हैं। मार्च के बाद बुध की युति अगर तेज होती है तो वह शेयर मार्केट में निवेश करें। आपके लिए बुध एक बड़ा योग बना के निकला है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए विशेष राजयोग मंगल से भी बन रहा है। अगर मेरे कोई मित्र किसी प्रकार के राजयोग संबंधित मेहनत कर रहे हैं, सरकारी नौकरी संबंधित मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए भी यह साल सफलता लेके आया है। इस साल में उनके सरकारी नौकरी लगने का प्रबल राजयोग बनता है। प्राइवेट सेक्टर में, कंपनी सेक्टर में आपको काफी फायदे होंगे। मार्च के अंतिम दिनों में आपकी सैलरी बढ़ने के भी बहुत अच्छे योग हैं। इस साल आप अगर बढ़ोतरी और अच्छी चाहते हैं तो मछलियों को आटे की गोलियां शुक्रवार के दिन डालें तो इससे आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। माता की चुनरी या माता का श्रृंगार का सामान शुक्रवार के दिन आप देवी माँ के मंदिर में चढ़ा के आए, वो श्रृंगार उनको दान करें, भेंट करें तो आपको अच्छा फायदा मिलेगा। बालाजी महाराज की कृपा आप पर बनी रहे, यह साल आपके लिए काफी कुछ मंगलमय हो। अब हमारी अंतिम राशि, जिन्होंने इस पांच राशियों की श्रेणी में भी अपनी जगह बनाई है, वो है मीन राशि। मीन राशि के लिए यह साल बहुत प्रमुख रहने वाला है, बहुत कुछ लेके आएगा आपके लिए यह साल। इस साल आप ज्यादातर आर्थिक रूप से संपन्न होंगे, आपके धन की अच्छी प्राप्ति होगी। इस साल अप्रैल माह में शनि देव के 11वें से 12वें भाव में उपस्थित होना आय के काफी स्रोत उत्पन्न करता है। इसके साल आपको अगस्त और अक्टूबर में बीच ग्रहों को लगातार होता परिवर्तन आपके लिए कई आर्थिक उतार चढ़ाव लेके आएगा, तो घबराइए नहीं। इस बार यह मौका आपके लिए खराब नहीं रहेगा। इस साल के अंतिम दिनों में आपको बहुत कुछ बढ़ोतरी मिलेगी। वेतन में वृद्धि का योग है। अगर आपकी तनख्वाह कम है तो आपको इस साल अच्छी बढ़ोतरी मिलेगी। व्यवसाय में काफी कुछ बूस्ट मिलेगा आपको। अगर आप लोहे का व्यापार करते हैं, मशीनरी का व्यापार करते हैं, वाहन का व्यापार करते हैं तो यह साल आपके लिए जबरदस्त रहेगा। कोरोना की मार में जिनका ट्रेवलिंग का या काम था उनका डाउन हो गया था, जब मीन राशि वाले जातक हैं उनके लिए यह कार्य, यह साल 2022 का वर्ष बहुत कुछ लेके आया है। आपके लिए लोहे संबंधित व्यापार में काफी कुछ वृद्धि होने के आसार नजर आ रहे हैं। गुरुवार के दिन किसी वृद्ध ब्राह्मण को भोजन करवाइए,
अपने श्रद्धा से उनको दक्षिणा दीजिए, उनके मनपसंद भोजन करवाइए, आपको अच्छा लाभ मिलेगा, आपकी अच्छी वृद्धि मिले। बालाजी महाराज आपके सभी कार्य पूर्ण करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय श्री राम, जय श्री बालाजी, बालाजी महाराज की कृपा आप पर बनी रहे।